हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता अपने बहू बेटे के साथ एक छोटे से शहर के बड़े से घर में रहती थी। हम भले ही रिश्तेदार बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी तो नहीं, क्योंकि रिश्तेदार से बढ़कर पड़ोसी हुआ ना। तो आइए मिलते हैं सुनीता जी की चिपकू पड़ोसन कमला से। सास बहू बात करी रही थी कि तभी उनकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और उनसे कहती है, अरे सुनीता बहन क्या कर रही हो, देखो आ गई तुम्हारी प्यारी पड़ोसन कमला, खुश हो जाओ अब। अरे कमला तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे मेरा मतलब है कि तुम यहाँ आओ बैठो ना, कोई काम से आई हो क्या? मैं ये कटोरी लाई थी बहू, क्या मुझे थोड़ी सब्जी मिलेगी? वो क्या है ना, मैंने आज घर पर सिर्फ रोटी बनाई है, सब्जी दे दो मुझे भूख लगी है। जी अभी देती हूँ, आप बैठिए मैं देखती हूँ कितनी सब्जी है। कोई बात नहीं बहू, देख लो जरा सी भी सब्जी हो तो दे दो मुझे, मैं काम चला लूंगी। ऐसे कैसे चल जाएगा बहू, तू कमला आंटी को अच्छे से सब्जी दे, हमारे घर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, तो ये कैसे जाएंगी तू सब्जी देने? बहू रहने दे तू बैठ जा, जब सुनीता ने ऐसा बोल दिया तो मैं खुद जाकर सब्जी निकाल कर ले लूंगी, तू आराम से बैठ अपनी सास के साथ बातें कर। अरे नहीं नहीं कमला आंटी, मैं देती हूँ ना निकाल कर, आप मेरी इतनी परवाह मत कीजिए वरना मुझे आदत हो जाएगी आपकी इन सब बातों की। बहू जब कमला बोल रही है तो खुद ही ले लेगी सब्जी, तू आराम से बैठ, तू इतना क्यों सोच रही है बहू, कमला तू जा सब्जी निकाल ले। सुनीता की बात सुनकर कमला सीधा रसोई में जाकर बर्तन में जितनी सब्जी बनी थी वो सारी सब्जियां ले आती है, और वहीं सुनीता की बहू अपनी सास को देखती ही रह जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, बीना अपने सास और पति राहुल को खाने बुलाती है। सुनिए जी जल्दी खाना खाने आ जाइए माँ जी जल्दी, वरना कमला आंटी आ जाएंगी और सब्जी ले जाएंगी, फिर उसके बाद आप लोग भूखे रह जाओगे। बीना मुझे जल्दी से खाना दे दो यार, जो भी बनाए दे दो जल्दी से यार, मुझे सोना है। बहू क्या बनाया है, कहीं उस दिन की तरह सिर्फ दाल ही तो नहीं बनाया, बहुत दिन से तू सिर्फ दाल ही बना रही है। माँ जी उस दिन मैंने सब्जी बनाई थी, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही कमला आंटी से नजदीकियाँ बढ़ाते हुए बोल दिया, जा रसोई घर में सब्जी रखी है ले जा, वो तो बस सारी सब्जियाँ ले गई और हम बस दाल रोटी खाते रह गए। बस बस अब उस दिन की बात मुझे याद मत दिला, अब खाना दे जल्दी से। सुनीता इतने बोलती है कि तभी उसके घर की बैल बजती है और अब कमला उनके घर आ चुकी थी। बैल की आवाज़ सुनकर राहुल बोलता है, बीना पहले मुझे खाना दे दो उसके बाद जाके ना दरवाजा खोलना, वरना अगर कमला आंटी आ गई तो खाने में से ना सब्जी लेके चली जाएंगी और मैं बिना सब्जी के खाना नहीं खाना चाहता। नहीं बहू जा जाकर पहले दरवाजा खोल दे, ऐसे किसी को दरवाजे पर खड़ा रखना सही नहीं है, वैसे भी आने वाला कमला ही होगी, हम ये भी तो नहीं बोल सकते ना, जा जाकर देख कौन आया है। हाँ हाँ जाके देख लेना कि कौन है कौन नहीं है, पहले खाना परोस दो उसके बाद जाना, और हाँ आप दोनों को ना अपना खाना बांटना है तो आप बांटो, लेकिन मैं ना खाना नहीं बांटने वाला, मुझसे तो उम्मीद ही मत करना। बीना राहुल को खाना देकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कमला दरवाजे पर खड़ी है, और फिर बीना को हटाते हुए वो बोलती है, क्यों बहू इतना वक्त क्यों लग गया, कब से बैल बजा रही थी, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता है क्या, कहाँ है सब? सब खाना खा रहे हैं इसलिए दरवाजा खोलने में वक्त लग गया, बताइए क्या काम है? अरे वाह खाना खा रहे हैं, सही टाइम पे आई हूँ, वाह क्या बनाया जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे कालू बेटा खाना खा रहा है, देख तेरी कमला आंटी भी आ गई, चल आ जा माँ बेटा दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। आंटी जी कितनी बार आपको कहूँ मेरा नाम कालू नहीं राहुल है, राहुल अरे इतना अच्छा खासा नाम है, क्यों बिगाड़ती रहती हो आप, किसी के साथ भी एक ही थाली में खाना नहीं खा सकता, माँ कुछ कहो ना आप। क्या कमला उसे खाना खाने देना, बेचारा रात का जगा हुआ है आराम से खाना खाकर सो जाएगा। हाँ तो मैंने कब कहा उसकी गोद में बैठकर खाना है मुझे, मैंने तो बस इतना कहा कि एक थाली में खाते हैं। लेकिन वो तेरे साथ क्या मेरे साथ भी एक थाली में नहीं खाता, इसकी शादी को इतना वक्त हो गया लेकिन आज तक मैंने इसे बहू के साथ भी एक साथ थाली में खाते नहीं देखा, अगर मुझ पर यकीन ना हो तो पूछ ले बहू से। हाँ मैंने एक बार गलती से थाली से खाना खा लिया था, तभी वो उसी वक्त खाना छोड़ कर उठ गए, तब से आज तक मैं कभी उनकी थाली से कुछ खाती नहीं, तो आप भी मत खाओ। ठीक है फिर मुझे अलग थाली में दे दो, मुझे भी तो भूख लगी है, मैं भी खाना खाकर यहीं सो जाऊंगी आराम से, बहू जरा फैन तो तेज कर देना। चिपकू पड़ोसन कमला अक्सर ऐसा ही करती थी, सुनीता के घर पर आकर
कुछ न कुछ ले जाया करती थी या फिर उसके घर पर ही खाना पीना खाकर सो जाती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुनीता और उसकी बहू बीना कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उनके घर पर पड़ोसन कमला आती है और उनसे कहती है, क्या बात है, सास बहू दोनों सद धज कर कहाँ चलने की तैयारी है? तू फिर आ गई? अरे मेरा मतलब है कि कोई काम था क्या तुम्हें? हम कहीं बाहर जा रहे हैं, जल्दी बताओ क्या काम है वरना हमें देर हो जाएगी। कुछ भी नहीं, ठीक है तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं चलती हूँ। जा रही हो? सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? ठीक है फिर हम तैयार हो जाते हैं। माँ जी क्या बात है, बिना कुछ लिए बिना बैठे चली गई, क्या हुआ, बुरा मान गई क्या आपकी दोस्त कमला आंटी? हाँ मैं तो यही सोच रही हूँ, ऐसा क्या हुआ बिना कुछ बोले वो ऐसे उठकर चली गई, ना ये ना वो ना कोई लंबी बात, पता नहीं क्या हुआ। अरे माँ जी छोड़िए और तैयार हो जाइए, कमला आंटी अगर बुरा मानती हैं तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए, वैसे भी हर वक्त चिपकती फिरती हैं, पता नहीं कैसी पड़ोसन है। कैसी क्या, चिपकू पड़ोसन है, मेरे ही नसीब में थी ये ऐसी पड़ोसन, मेरा पीछा पता नहीं कब छोड़ेगी। सुनीता और बिना तैयार होकर निकल ही रही होती है कि तभी उनकी पड़ोसन चिपकू हंसते हुए सुनीता से कहती है, मैं भी चलो तुम्हारे साथ, सुनीता देख मैं भी तैयार हो गई हूँ, कितनी सुंदर साड़ी पहनी है मैंने। क्या है कर रही है, चुप कर, तुझे किसने कहा तैयार होने के लिए, मैं नहीं लेकर चलूंगी तुझे अपने साथ, जब देखो तब पीछे पड़ी रहती है। मैं तेरी दोस्त हूँ ना, मुझे भी लेकर नहीं चलेगी क्या तू, सिर्फ अपनी बहू को लेकर जा रही है? अरे कम अकल, मैं अपनी बहू को लेकर उसके रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ, अब भला मैं तुझे वहाँ कैसे लेकर जाऊँ, नहीं चल सकती तू हमारे साथ। पहले तो तू मुझे हर जगह ले जाया करती थी, लेकिन अब तो तू बदल गई है, देख आज मैं भी तेरी सहेली हूँ। देख कमला, पहली बात तो ये कि हम सहेली नहीं पड़ोसी हैं, तो हमें पड़ोसी जैसा ही रहना चाहिए, ना किसी के घर में ऐसे कभी मुंह उठाकर आना चाहिए, ना उसके साथ हमेशा ऐसे चिपके रहना चाहिए, मुझे पसंद नहीं है बस। और रही कहीं आने जाने की बात, तो मुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी बहू आ गई है। ठीक है सुनीता, मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें या तुम्हारे परिवार वालों को मेरी वजह से परेशानी हो, ठीक है मैं चलती हूँ अपने घर। कमला मेरी बात का बुरा मत मान, बस मैं तुझे समझा रही थी। कमला अपने घर की तरफ चली जाती है और वहीं बीना और उसकी सास सुनीता अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और बीना और उसकी सास दोनों वापस घर लौट कर आते हैं और सुनीता अपनी बहू बीना से कहती है, बहू उस दिन मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया कमला को, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस दिन के लिए। नहीं माँ जी, एक तरफ से ठीक ही किया है आपने, अगर आप ऐसा ना करती तो शायद वो हमारे साथ ही चल पड़ती और हम उनको लेकर कहाँ कहाँ भटकते, आप ही बताइए। दोनों सास बहू अपनी पड़ोसन के बारे में सोचकर बुरा फील कर रही थी, तभी उनके घर की बैल बजती है और बीना दरवाजा खोलती है तो देखती है कमला फिर से कुछ लेने आई थी, हाथ में कटोरी लेकर, और सुनीता से कहती है, लो आ गई फिर से तुम्हारी पड़ोसन कमला। माया उठो ना माया, तुमको क्या हो गया, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, माया उठो माया। बेटा वो जा चुकी है। अपने पति को अपनी सौतन की लाश के पास रोते देखकर नंद ने उसके पास जाकर उसे संभालते हुए कहती है, अब संभालिए खुद को, जो होना था वो हो गया। दूर रहो तुम मुझसे, मुझे पता है तुमने ही मेरी माया को मारा है, क्योंकि तुमसे अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं हुई ना, इसीलिए तुमने अपनी सौतन की मौत का खेल रचा। आखिर इतना बड़ा इल्जाम नंदनी पर क्यों लगा रहा है मोहित, और ये माया कौन है जिसे नंदनी की सौतन बताया जा रहा है, और उसकी मौत के पीछे क्या कारण है, इसको जानने के लिए समय को पीछे ले जाना पड़ेगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। नंदनी की शादी को 5 साल हो गए थे और एक घर की बहू होने के उसने कोई फर्ज नहीं निभाए थे, जिसके कारण आए दिन उसके और मोहित के झगड़े होने लगे। ऐसे ही एक सुबह मोहित अपनी माँ साधना को नाश्ता बनाते देखकर चिल्लाते हुए नंदनी को आवाज लगाकर बुलाता है, नंदनी नंदनी कहाँ हो, जल्दी नीचे आओ। चेहरे पर फेस पैक लगाए नंदनी अपने कमरे से नाइटी पहने नीचे आती है और मोहित से कहती है, क्या है क्यों पागल कुत्ते की तरह सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? जिसकी तुम जैसी पत्नी हो उसे चिल्लाना ही पड़ेगा, और तुम इस घर की बहू हो तो मेरी माँ क्यों खाना बना रही है? अरे तुम्हारे खानदान वालों ने सिखाया नहीं है क्या कि एक बहू के क्या क्या फर्ज होते हैं? मेरे खानदान वालों पर ना जाने की जरूरत नहीं है, और रही बात माँ जी के खाना बनाने की, तो मैं आई थी,
उन्होंने खुद कहा था कि आज वो नाश्ता बनाएंगी, लेकिन तुमको ये सब कहाँ जानना होता है, बस मौका चाहिए मुझे सुनाने का और जलील करने का। बहू सही कह रही है। साधना के पीछे से बोलने पर मोहित उसकी तरफ देखता है, जिसके बाद साधना आगे कहती है, तुझे एक बार पूछना तो चाहिए ना मोहित, खामखा ही बहू पर चिल्ला रहा है। मानती हूँ वो लापरवाह है, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी तू समझ रहा है। थोड़ा समझना सीखो एक दूसरे को, हर वक्त लड़ाई लड़ाई रिश्तों को खोखला कर देती है। कर देती है नहीं, कर दिया है। इतना बोलकर मोहित ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहाँ जाकर उसकी दोस्त माया उसे गुस्से में देखकर बोलती है, आज फिर तुम नंदिनी से लड़ाई हो क्या? हद है मोहित, आखिर क्यों तुम अपनी पत्नी से अपनी लड़ाई सुलझाने के बारे में नहीं सोचते? तुम्हारे कारण, तुम मेरा पहला प्यार थी माया, और तुम्हारे कॉलेज से जाने के बाद मैंने तुमको ढूंढा पर तुम मिली नहीं। उस दौरान मेरी नंदिनी से शादी हुई, लेकिन अब 6 साल बाद दोबारा तुम मेरे ही ऑफिस में मेरी ही कलीग बनकर आ गई हो, इसीलिए मैं खुद की फीलिंग्स को नहीं रोक पा रहा हूँ। क्या हुआ, कुछ बोल भी लो। माया मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं रहना नंदिनी के साथ, मुझे नहीं रहना। इतना बोलकर मोहित माया के गले से लग जाता है, और उस दिन के बाद से माया को भी लगता है कि अब मोहित को ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहिए जिसमें उसे प्यार ही ना मिलता हो, और इसी कारण वो और मोहित एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और एक दिन शाम को ऑफिस से घर आते वक्त मोहित माया को घर लाता है, और उन दोनों को साथ देखकर नंदिनी और साधना हैरानी से कहती हैं, ये कौन है? माया बेटा तू, इतने सालों बाद। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन तू इतने सालों बाद आज अचानक यहाँ? माँ, माया मेरे ही ऑफिस में काम करती है, और आज मैं इसको साथ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं और अब नंदिनी के साथ नहीं रह सकता। मैं माया से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि नंदिनी ने कभी ना ही इस घर की बहू होने के फर्ज निभाए हैं, ना ही मेरी पत्नी होने के। वाह, तो इसलिए जान जान के मेरी गलतियाँ निकाली जाती थी कि एक दिन उन्हीं गलतियों का सहारा लेकर तुम मुझे अपनी जिंदगी से फेंक सको। हाँ मोहित, ये सब क्या कर रहा है तू, होश में भी है? हाँ माँ, मैं होश में हूँ, और मुझे लगता है ऐसे रिश्ते में मुझे और नंदिनी को नहीं रहना चाहिए जिसमें प्यार है ही नहीं। हाँ नंदिनी, क्योंकि इस रिश्ते में घुट के रहने से अच्छा है तुम दोनों ही अपनी अलग अलग जिंदगी जियो। मैं इस घर से और मोहित की जिंदगी से ना कभी नहीं जाऊंगी, समझे तुम? तो ठीक है, माया भी आज से इसी घर में रहेगी, तुम रहो अपनी जिद में, और मैं भी अब अपनी जिंदगी के साथ और समझौता नहीं करूंगा। मोहित इतना कहकर माया को अपने साथ एक दूसरे कमरे में ले जाता है, और नंदिनी के कमरे से अपना सारा सामान माया के कमरे में शिफ्ट कर लेता है। साधना की आवाज और उसकी बातें तो ना ही मोहित सुनता है और ना ही नंदिनी, जिसके कारण वो बस बेबसी होकर ये सब तमाशा देखती है। अब रोज मोहित को माया के साथ देखकर नंदिनी के दिल को ठेस पहुंचती, लेकिन वो ये सब चुपचाप सहती है। ऐसे ही लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं, और ये देखकर माया मोहित से कहती है, मोहित, नंदिनी तुमसे सच में बहुत प्यार करती है, इसलिए देखो अपने पति को इतने समय से किसी दूसरी औरत के साथ देखकर भी वो इस घर से नहीं गई। मानती हूँ वो तुमसे लड़ती होगी, लेकिन दिल की बुरी नहीं है वो। तुमको नहीं पता वो कैसी है कैसी नहीं, 5 सालों से झेल रहा हूँ मैं उसको। ये माया का मन कहीं बदल गया तो फिर से मेरी जिंदगी से चली जाएगी, और मुझे नंदिनी के साथ अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी, जल्द ही कुछ करना होगा। लेकिन इन 2 महीनों में मैंने उसे जितना जाना है उससे ये तो पता ही चलता है कि वो दिल की बुरी नहीं है। ये सब उसका दिखावा है, तुम उस पर ध्यान मत दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, आज तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए आराम करना। मोहित के ऑफिस जाने के कुछ देर बाद में माया रसोई में जाती है, जहाँ नंदिनी अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तभी माया वहाँ आकर बोलती है, नंदिनी मुझे जरा एक ग्लास पानी दे सकती हो? नंदिनी बिना कुछ बोले माया को पानी दे देती है, और माया वहीं खड़े खड़े अपनी दवाई खाकर नंदिनी की तरफ देखते हुए कहती है, नंदिनी मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा घर तोड़ दिया। मैंने बहुत कोशिश की थी मोहित को समझाने की कि वो तुमसे अपने रिश्ते ठीक कर ले, लेकिन उसने कहा कि सब कुछ बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, लेकिन मुझे अब भी तुम्हें देखकर लगता है कि कुछ खराब नहीं हुआ। अगर तुम मोहित के साथ सब ठीक करना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। पता है अब तक मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम तुम हो, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर समझ में आया कि तुम प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉब्लम तो मोहित है, वो ही नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता ठीक हो। और आज मुझे ये समझ आ गया है, इसलिए अब मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। तुम एक अच्छी इंसान हो, इन 2 महीनों में मैंने ये बात जान ही ली,
इसलिए मेरे जाने के बाद माँ जी और मोहित का ध्यान रखना। तुम सच में ये चाहती हो? हाँ माया, अब मैं भी इस जबरदस्ती के रिश्ते से उब चुकी हूँ। मैं इस काबिल हूँ कि अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकती हूँ। इसलिए तुम अब इस घर को संभालना। और सच कहूँ, मुझे तुम जैसी सौतन ने ही सिखाया कि किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने से वो हमारी नहीं होती। थैंक यू माया। अच्छा, मैंने पराठे बनाए हैं, खाओगी? जरूर। दोनों सौतनों में सुलह हो चुकी थी। नंदनी अपनी राहें अलग करने वाली थी, लेकिन अगली ही सुबह कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। रात को ठीक ठाक सोई माया सुबह उठती ही नहीं है। मोहित जब ये देखकर डॉक्टर को बुलाता है तो पता चलता है कि माया मर चुकी है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बोलता है, माया उठो ना माया, तुमको क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती माया, उठो माया। बेटा वो जा चुकी है। अपने पति को अपनी सौतन की लाश के पास रोते देखकर नंदनी उसके पास जाकर उसे संभालते हुए कहती है, अब संभालिए खुद को, जो होना था वो हो गया। दूर रहो तुम मुझसे, मुझे पता है तुमने ही मेरी माया को मारा है, क्योंकि तुमसे अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं हुई ना, इसीलिए तुमने अपनी सौतन की मौत का खेल रचा। ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? हमारी तो बात हो गई थी, मैं जाने वाली थी आप दोनों की जिंदगी से, और कल रात मैंने अपने हाथों से उसे पानी दिया। जब वो रात को उठी थी तब तक तो वो ठीक थी, लेकिन आज सुबह अचानक ये सब। क्या पानी? पानी का जिक्र सुनकर साधना को याद आता है कि कल रात उसने मोहित को पानी की एक बोतल में कुछ मिलाते देखा था, जिसके बाद वो माया के साइड टेबल से वो बोतल उठाती है और उसको टेस्ट के लिए भेजती है। इतने में घर पर पुलिस आती है और मोहित माया की मौत के लिए नंदनी को जिम्मेदार बताकर गिरफ्तार करवाने लगता है। लेकिन उसी दौरान साधना के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है, जो उसे पानी में पॉइजन होने की बात बताते हैं, जिस पर साधना इंस्पेक्टर को नंदनी को ले जाने से रोकते हुए कहती है, रुक जाओ इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू ने अपने सौतन की मौत नहीं रची, बल्कि मेरे बेटे ने रची है। साधना सारी बात पुलिस को बताती है, जिसके बाद मोहित की तलाशी लेने पर उसकी जेब से पॉइजन की शीशी मिलती है। और फिर अब ना चाहते हुए भी मोहित सबको सच बताता है कि उसने ये सब नंदनी को मारने के लिए किया था, क्योंकि उसके कारण माया उससे दूर जाने की सोच रही थी। ये सच सामने आने पर नंदनी उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, अरे एक दिन और इंतजार कर लेते, मैं जाने ही वाली थी तुम्हारी जिंदगी से, लेकिन तुम्हारे कारण अब सब बर्बाद हो गया। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इनको। नंदनी मोहित को जेल भेजने के बाद अपनी सौतन का अंतिम संस्कार करती है, लेकिन एक अफसोस उसके मन में हमेशा रहता है कि शायद जो फैसला वो लेने वाली थी, अगर वो जल्दी ले लेती तो आज माया जिंदा होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।